2019 के तुलना में 2020 का आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन क्यों अलग था? क्योंकि इस बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई भी स्टूडेंट को रैंकिंग नहीं दी गई थी, लेकिन इस बार 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन के होने के बाद ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट को रैंकिंग मिलेगी। इसकी तैयारी सीआईएससी काउंसिल डिफरेंट लेवल पर कर रही है। उसका जो मेन क्राइटेरिया बेस्ट 5 सब्जेक्ट का है अपहोल्ड किया जाएगा और देश भर से आईएससी और आईसीएससी के स्टूडेंट इंक्लूडिंग इंग्लिश बेस्ट 5 सब्जेक्ट के मार्किंग के आधार पर रैंकिंग को डिसाइड किए जाएंगे। सीआईएससी ने जिस तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के एग्जामिनेशन की तैयारी डिफरेंट लेवल पर कर रखी है, उसमें से एक है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में चेंजिंग, मतलब कि क्वेश्चन पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं चेंज होंगे, पैटर्न को चेंज करने के सवाल पर बताए जा रहे हैं कि ये कोविड-19 का ईयर है, इसलिए इन क्वेश्चन पेपर में कुछ चेंजेज किए जाएंगे। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का 19th फेब का यह न्यूज साफ साफ बताता है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आईएससी वालों के लिए क्वेश्चन पेपर के नेचर में चेंज कर दिया गया और इस तरह के चेंजेस 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन को एक्सेप्शनल मानते हुए करने की तैयारी की जा रही है। स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन को ऑल एक्सेप्टेबल और स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए कई सारे बिंदुओं पर डिस्कशन करने के बाद बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को जब कमीशन किया जाएगा उन दौरान इन बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा कि स्टूडेंट क्वेश्चन के आंसर किस तरह से देते हैं और उनसे किस नेचर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेचर कहने का मतलब है इजी, हार्ड और डिफिकल्ट क्वेश्चन को किस रेशियो पर रखे जाएंगे। बताया जाता है कि पहले यानी 2020 तक 60% क्वेश्चन थे जो इजी नेचर के होते थे, लेकिन इस बार 80% क्वेश्चन को इजी नेचर का रखा जाएगा, 10% क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लेवल के होंगे और इसी के आधार पर बेस्ट 5 सब्जेक्ट की रैंकिंग इंडिया के टॉप स्कोरर स्टूडेंट के डिसाइड किए जाएंगे। सीआईएससी ने डिफरेंट लेवल पर कन्वर्सेशन के साथ साथ क्वेश्चन बनाने वाले टीम से भी बातचीत करने के समाचार सामने आए हैं। ऐसा करने के पीछे सीआईएससी की मजबूरी भी है क्योंकि वह दो बार आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस को रिड्यूस कर चुका है। अब ये रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन पेपर को तैयार करना और उसके बाद उसे स्टूडेंट के हिसाब से एग्जाम फ्रेंडली और अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से भी बनाए रखना एक चैलेंजिंग टास्क है। इसको लेकर डिफरेंट एग्जामिनर, हेड एग्जामिनर के साथ साथ क्वेश्चन तय करने वाली टीम के साथ यह डिसाइड किया जा रहा है कि आखिर ये क्वेश्चन किस तरह के होंगे जिससे कि स्टूडेंट काफी आसानी से आंसर को दे दे और उनके स्कोरिंग लेवल बेहतर जा सके। हालांकि चेंज क्वेश्चन पेपर के नेचर के आधार पर सैंपल पेपर के तैयार किए जाने की बात है, लेकिन इस न्यूज को डिफरेंट रिलायबल सोर्सेज ने कंफर्म नहीं किया है, तो इस विषय पर जानकारी जिस तरह से मुझे आगे प्राप्त होगी मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। तो एक थम्स अप एंड यू कैन कंसीडर टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।